मथुरा से लाइन जाती है ये रेवाड़ी की तरफ अलवर होते हुए, यहीं पर हमारी ड्यूटी लगी थी और बहुत ज्यादा खतरनाक फाड़ू ड्यूटी थी। आप बताना कैसी थी कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। सपोज दैट ये MTJ स्टेशन है और यहाँ से हमें ट्रेन लेके जानी थी। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेशन पड़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं गोवर्धन, ब्रिजनगर, गाजिका, ये NCR आगरा डिवीज़न का लास्ट स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन ऐसे चली जाती है, एक लाइन ऐसे चली जाती है रेवाड़ी के लिए और एक लाइन इधर चली जाती है बांदीकुई, जयपुर, फुलेरा के लिए। और ये जो रेवाड़ी है ये गुड़गांव की तरफ जाती है आगे लाइन, और ये दिल्ली कैंट की तरफ चली जाती है। तो ये ऐसे करके, तो हमारी यहाँ मथुरा 16 बजे हम लोगों ने साइन ऑन किए। हमारे पास कॉल आ गया था 14 बजे, यानी कि दोपहर के 2 बजे हमारे पास कॉल आ गया था कि आपकी 14 बजे की ट्रेन रहने वाली है STPV, जो कि एक कोयले वाली ट्रेन है, कोयला लेकर जाती है, कोयले का लोड रहता है इसमें। बॉक्स एंड डिब्बे रहते हैं, ब्लू कलर वाले, रेड कलर वाले, और उसमें कोयला भरा हुआ रहता है। तो हम 15:30 बजे पहुँच गए, यानी कि 3:30 बजे स्टेशन पर पहुँचे। लॉबी में जाके साइन ऑन किए, फिर स्टेशन मास्टर के पास गए। उन्होंने बताया कि आपकी ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म 2 पर आप पहुँच जाओ। ट्रेन का चार्ज लिया दोस्तों हमने, जो स्टाफ लेके आया था आगरा वाला उसको रिलीव कर दिया। वो स्टाफ अपना पहुँच गया स्टेशन मास्टर के पास, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया और हम अपनी ट्रेन को रेडी करके आगे, जैसे ये ट्रेन है STPV, इसमें आगे रहता है इंजन और पीछे रहता है ब्रेक वान, यानी ट्रेन मैनेजर यहाँ पर बैठते हैं पीछे की तरफ, और ये आगे रहता है इंजन। इंजन में लोको पायलट और ALP दो लोग बैठते हैं। लोको पायलट की डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं होती है दोस्तों, लोको पायलट यही ALP जब धीरे धीरे सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर ALP, उसके बाद शंटर, उसके बाद लोको पायलट गुड्स बनते हैं। तो ये लोको पायलट गुड्स आगे बैठे हुए थे इंजन में और ALP थे इनके साथ में। इन्होंने इंजन वगैरह चेक किया, सब कुछ ओके लगा, ट्रेन के पेपर्स, VPC, कॉशन ऑर्डर, सारी चीज़ों को चेक किया, सब ओके लगा। फिर ट्रेन मैनेजर यानी कि मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने भी सब कुछ चेक किया, पेपर्स वगैरह और ये जो बॉक्स लगे हुए थे इसमें सब कुछ ओके है कि नहीं है, लोडिंग ज़्यादा तो नहीं है, इसमें कोयला भरा हुआ रहता है, सारे डिब्बे सब कुछ ओके। चेक करने के बाद हमारी गाड़ी दोस्तों चल पड़ी यहाँ से। अब दोस्तों ये गाड़ी यहाँ से चलती रही, कभी खड़ी हुई, कभी चली, कभी खड़ी हुई। सबसे ज़्यादा हार्ड जॉब ऐसे टाइम पर मालगाड़ी के टाइम पर रहती है लोको पायलट गुड्स की, मालगाड़ी के लोको पायलट की, क्योंकि उनको अपनी नज़र सीधी सिग्नल पर रखनी पड़ती है और ऑल टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। ALP चिल करता है, मज़े करता है, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। और ट्रेन मैनेजर जो है पीछे, यदि गाड़ी लोडेड है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, रात में या दिन में कोई चोरी तो नहीं हो रही है, इसीलिए देखना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है, लेकिन उतनी ज़्यादा पैनी नज़र सिग्नल पर नहीं रखनी पड़ती है ट्रेन मैनेजर को। ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी मेनली यहाँ तक होती है, इंजन को छोड़ के पीछे की गाड़ियों पर ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी होती। तो दोस्तों हम चलते गए, कभी सिग्नल नहीं मिला तो ट्रेन को खड़ा कर दिया, सुपरफास्ट निकाल दी, कभी कुछ ऐसे होता रहा। पहुँचे हम गाजिका स्टेशन पर, जो कि NCR का लास्ट स्टेशन पड़ता है आगरा डिवीज़न का। यहाँ दोस्तों जब डिवीज़न चेंज होता है, जैसे ये NCR डिवीज़न है और ये है अलवर स्टेशन, अलवर का एक केविन ये है, एक केविन ये, दोनों केविन अलवर के हैं और ये आता है NWR में। दोनों जब यहाँ से डिवीज़न चेंज हो रहा है, NCR से NWR में ट्रेन जानी होती है तो लाइन क्लियर उसके लिए लेना पड़ता है, और लाइन क्लियर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा भी होता है कभी कभी, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है एक गाड़ी हम आपको देंगे तब आपकी एक गाड़ी रिसीव करेंगे, सामान्यतः ऐसा होता है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो इसने हमें 3 घंटे यहाँ पर खड़ा किया, सड़ाया हमें गर्मी में, हालांकि शाम हो गई थी। 3 घंटे सड़ाने के बाद इसने हमें लाइन दिया और ये हमारी ट्रेन धीरे धीरे यहाँ से अलवर से निकली, पड़ीसल, खैरथल होते हुए, अनाज मंडी होते हुए रेवाड़ी पहुँच गई। यहाँ रेवाड़ी पहुँची हमारी ट्रेन 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे। आप सोचो हमारी 16 बजे यानी कि शाम के 4 बजे की ऑन ड्यूटी थी और 2:30 बजे हमारी ट्रेन पहुँची, 10.5 घंटे में हमारी ट्रेन पहुँची, गर्मी पूरी निकल गई, हालत ख़राब हो गई। चलिए कोई बात नहीं, रेवाड़ी पहुँचे। यहाँ पर भी दोस्तों लॉबी बनी होती है, क्रू चेंजिंग पॉइंट है रेवाड़ी। यहाँ पर दूसरा स्टाफ आया, उसने अपना चार्ज ले लिया, ट्रेन मैनेजर ने मुझसे चार्ज ले लिया, लोको पायलट ने और ALP ने उनसे चार्ज ले लिया इंजन वगैरह का। फिर दोस्तों हम लॉबी में साइन ऑफ करने के बाद गए रनिंग रूम, यहाँ पर एक रनिंग रूम बना हुआ है, रनिंग रूम जो कि ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और ALP के लिए एक सुविधा होती है। यहाँ पे 5 रुपये में हमें खाना मिल जाता है, सोने के लिए बढ़िया कमरे मिल जाते हैं AC वाले, आराम से हम सोए। सुबह 8 घंटे का हमें रेस्ट मिलता है, तो
लगभग 3 बजे ऑफ किए थे और 11 बजे हम अवेलेबल थे। दोस्तों अवेलेबल होने के तुरंत बाद ही हमें ड्यूटी के लिए कॉल आ गया कि आपकी 11:30 बजे की गाड़ी है। तो दोस्तों हम लगभग 10.5 घंटे की ड्यूटी करके गए और उसके तुरंत बाद ही फिर थोड़ा सा ही रेस्ट हो पाया लगभग 8 घंटे का, फिर हमें ड्यूटी के लिए कॉल आ गया। तो दोस्तों ये होती है ख़तरनाक ड्यूटी, क्योंकि आप सामान्यतः सरकारी नौकरी में या नॉर्मली किसी भी नौकरी में देखते हो कि 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 16 घंटे का रेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ आपने देखा कि ड्यूटी तो करी 10.5 घंटे की, लेकिन उसके बाद केवल रेस्ट मिला 8 घंटे का, फिर ड्यूटी लग गई दोस्तों दोपहर के टाइम में, क्योंकि 11:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। 11:30 बजे दोस्तों हम 11 बजे पहुँच गए यहाँ पर, लॉबी में साइन ऑन वगैरह किए, पीछे से एक ट्रेन आ रही थी एम्प्टी बॉक्स से, इधर से आ रही थी झाड़ली साइड से कहीं से आ रही थी एम्प्टी बॉक्स, ये यहाँ पर रेवाड़ी में आई। हमने इसका चार्ज लिया लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ने, हम लोगों ने फिर इस ट्रेन को यहाँ से ये 2:30 बजे रवाना हुई, डिपार्चर हुआ, इसको लेके आए अलवर होते हुए, गजका ब्रिजनगर गोवर्धन होते हुए इस ट्रेन को मथुरा लेके आए, और हम पहुँचे थे लगभग 22 बजे के आसपास, यानी कि रात के 10 बजे के आसपास। तो आप ड्यूटी काउंट कर सकते हो कि इस दौरान केवल 8 घंटे का रेस्ट हमने किया था, यानी कि शाम के 4 बजे से लेके अगले दिन नेक्स्ट डे 24 और 6, 30 घंटे के बाद हम लौट के अपने घर पर आए, और 30 घंटे के दौरान केवल रेस्ट हमारा 8 घंटे का हुआ दोस्तों। तो ये होती है फाड़ू नौकरी, ख़तरनाक नौकरी। इसमें दोस्तों जो दिमाग होता है ना वो पूरी तरह से हिल जाता है और दिमाग का दही हो जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों जब हम अपने हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं, हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पर हमें 16 आवर्स का रेस्ट मिलता है, यहाँ हमें मिलता है 16 आवर्स का रेस्ट। यहाँ हमें रनिंग रूम की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, रनिंग रूम की सुविधा वहीं पर मिलेगी जहाँ हम आउट ऑफ हेडक्वार्टर गाड़ी लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ रेवाड़ी गाड़ी लेकर गए, वहाँ रनिंग रूम की सुविधा मिल गई, वहाँ से खाना पीना खा के, खाना पैक करवा के हम अपने हेडक्वार्टर पर गाड़ी लेके आ गए, या हम मान लीजिए इधर बांदी कोई गाड़ी लेके जाते, यहाँ भी हमें रनिंग रूम की सुविधा मिल जाती, खाना पीना खा के रेस्ट करके फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके जाते। तो आउट ऑफ हेडक्वार्टर पर हमें रनिंग रूम की सुविधा मिलती है, खाना पीना रुकना मिलता है, और अपने हेडक्वार्टर पर यानी कि जो हमारा हेडक्वार्टर है मथुरा जंक्शन, यहाँ पर हमें रनिंग रूम की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई भी खाना पीना नहीं मिलेगा, और बीच में भी कोई भी हमें खाना पीना कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ अगर आपको ख़रीदना है तो आप जो स्टेशनों पर शॉप्स होती हैं वहाँ से अपने पैसे देकर खरीद सकते हो। जहाँ पर लॉबी है, जहाँ क्रू चेंजिंग पॉइंट है, वहीं पर हमें रनिंग रूम की सुविधा मिलती है, फ्री खाने पीने की व्यवस्था जो भी होती है रेलवे की तरफ से, सब्सिडाइज फूड वगैरह वो सब हमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की ड्यूटी हमारी फाड़ू ड्यूटी रही, खतरनाक ड्यूटी रही, उसमें दोस्तों दिमाग हिल जाता है। फिर दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए 22 बजे हमने साइन ऑफ किया, यानी कि रात के 10 बजे हमने साइन ऑफ कर दिए, तो हम अवेलेबल हो जाएंगे अगले दिन नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे, क्योंकि 16 घंटे होंगे, दोपहर के 2 बजे हमारे 2 बजे अवेलेबल हो जाएंगे, और अवेलेबल होते ही फिर हमारी ट्रेन लग जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मथुरा से रेवाड़ी की ही लगे या मथुरा से बांदीकुई की लगे, मान लीजिए फिर नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन लग जाती है इधर झांसी के लिए, तो फिर हमें इधर जाना होगा, लोको पायलट भी चेंज हो जाते हैं, ALP भी चेंज हो जाता है, ट्रेन मैनेजर कोई दूसरा हो जाता है, ऐसे अलग अलग गाड़ी अलग अलग स्टाफ के साथ और आपस में चेंज होते होते लगती रहती हैं, किसी के लिए भी कॉल आ सकता है। तो इस तरह की कुछ ड्यूटी रहती है, ट्रेन भी अलग अलग होती है, खाली भी हो सकती है, लोडेड भी हो सकती है, ऑल इंडिया का कहीं का भी लोड वो हो सकता है। केवल ये 2 घंटे पहले ही लॉबी से हमें सूचना दी जाती है कि आपको आज यहाँ जाना है और आपकी ये ट्रेन रहने वाली है। कभी कभी सवारी गाड़ी पर भी नंबर आ जाता है, 1-2 महीने में एक बार लग गए तो लग गए। तो कुछ इस तरह से ड्यूटी रहती है ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और ALP की। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।